टेक्नोलॉजी के गोल्डन एज में अमेज़न जंगल आज भी लोगों के लिए रहस्य है। अमेज़न, इस नाम में छुपा हुआ है हजारों मिस्ट्री। आज इंसान नॉर्थ पोल से साउथ पोल और चंद्रमा से मार्स तक पहुंच गया है, लेकिन अमेज़न जंगल में ऐसे बहुत सारे जगह है जहां इंसानों ने अपना कदम भी नहीं रखा। अमेज़न जंगल का दूसरा और भी नाम है, जैसे कि अमेज़ोनिया और अमेज़ोनिका। किसी भी नाम से बुलाया जाए, इस जंगल में मिस्ट्री और सरप्राइजेस का कोई कमी नहीं है। तो आइए जानते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में और भी डिटेल में। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अमेज़न नदी के 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बेसिन में 55 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि साउथ अमेरिका की 40% इलाका है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जितनी बड़ी एरिया में फैली हुई है, उसके आधे हिस्से में फिट हो सकता है धरती की सारे रेन फॉरेस्ट। दुनिया में 20% ऑक्सीजन सप्लाई देने के कारण अमेज़न रेन फॉरेस्ट को धरती की लंग्स कहा जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट 9 अलग देशों में से होके गुजरा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा लगभग 60% इलाका ब्राज़ील में है, लगभग 13% पेरू में है, और बाकी का हिस्सा वेनेजुएला, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वेडोर, गायाना, सूरीनाम और फरासी गायाना तक फैली हुई है। इस रेन फॉरेस्ट में 16,000 प्रजाति के लगभग 390 बिलियन पेड़ पौधे हैं और लगभग 45 लाख प्रजाति के कीड़े मकोड़े हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बहुत ही बेहतरीन बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसमें शामिल है 428 प्रजाति के एम्फीबियन स्पीसीज यानी कि उभयचर प्राणी, 1294 प्रजाति के बर्ड स्पीसीज, 378 प्रजाति के रेप्टाइल स्पीसीज और 427 प्रजाति के मैमल स्पीसीज। अगर हम अमेज़न के जंगल से निकल के अमेज़न के नदी में उतरे तो वह आपको देखने मिलेगा 3000 प्रजाति के मछलियों के स्पीसीज। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो अमेज़न के बायोडाइवर्सिटी पे आप और भी आश्चर्य होंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पेरू के हिस्से में एक ही पेड़ पर चींटियों की 43,000 प्रजाति पाई गई है ना ये इंटरेस्टिंग। इस बात पे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अमेज़न रिवर लंबाई में दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। सेकेंड लॉन्गेस्ट होने के बाद भी ये नदी दुनिया में किसी भी नदी से ज़्यादा पानी कैरी करता है, जो कि मीठा पानी होता है। दुनिया के 25% मीठा पानी सिर्फ इसी नदी से होके गुजरता है। कहा जाता है अमेज़न रिवर जिस जगह पर समुंदर से मिलता है वह पर 100 किलोमीटर तक समुंदर की खारा पानी मीठा हो जाता है। अमेज़न जंगल के लोगों के बारे में बहुत सारे अफवाहें सुनने को मिलती है, लेकिन एक्चुअली कब से अमेज़न जंगल में लोग रहते हैं ये जानना मुश्किल है। अगर अभी वर्तमान की बात करें तो इस रेन फॉरेस्ट में लगभग 300 से भी अधिक ट्राइब्स के लोग रहते हैं और 10 लाख से भी ज़्यादा छोटे छोटे समूहों के लोग रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर ब्राज़ीलियन है। हैरानी की बात यह है कि वे अभी भी अपनी पुरानी संस्कृति को बरकरार रखते हैं। साइंटिस्ट का अनुमान है कि कुछ गुप्त आदिवासी समूह हैं जिनके साथ सभ्य दुनिया का कोई भी संपर्क नहीं है। कहा जाता है कि बहुत से लोग अमेज़न की सुंदरता से मोहित होकर अमेज़न के जंगल को जीतने का सपना देखते हैं, लेकिन अमेज़न उन सभी के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह जाती है, क्योंकि जिस किसी ने भी अमेज़न को जीतने के लिए यहाँ पर आया उनमें से ज़्यादातर लोग अपने घर नहीं लौट पाए। एक्चुअली अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिसोर्स से भरा हुआ है और इन्हीं रिसोर्सेज को लूटने के लिए हमेशा से ही लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन एक्सट्रीम हीट और नमी के कारण ये जगह ह्यूमंस के सर्वाइव करने के लिए इम्पॉसिबल है। सर्वाइव ना कर पाने का एक दूसरा वजह है क्राइसिस ऑफ फूड। लेकिन आपको शायद लगे कि इतनी बड़ी जंगल में इतने सारा पेड़ है तो फल भी तो होंगे, उन्हें खा के ही सर्वाइव किया जा सकता है। सुनने में आश्चर्य लगे, लेकिन इस जंगल में तकरीबन 1500 से भी अधिक तरह के फल पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 200 ऐसे फल है जो ह्यूमंस के लिए हानिकारक नहीं है। अगर आप इस जंगल में सही फल नहीं ढूंढ पाए तो जल्दी ही आपका काम तमाम हो जाएगा। अमेज़न नदी में विशालकाय एनाकोंडास के रहने के बारे में सुनने को मिलता है। साइंटिस्ट बताते हैं अमेज़न जंगल के बीच में कुछ ऐसे नदियाँ हैं जिनमें पानी उबलता है। अमेज़न रिवर में बहुत तरह के डेंजरस क्रिएचर्स रहते हैं, उनमें से एक है पिराना। ये एक मछली है जो कि झुंड में घूमता है शिकार के तलाश में। ये मछली देखने में छोटी हो सकती है, लेकिन झुंड में रहने के कारण ये बड़े बड़े शिकार को सेकंड में साफ कर सकता है। मैंने आपको अभी कहा है कि अमेज़न नदी दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर होने के साथ दुनिया में किसी भी नदी से ज़्यादा पानी कैरी करता है। आप इस बात को इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये नदी कुछ जगह पर 10 किलोमीटर तक चौड़ी है।
इस नदी से हर सेकेंड में 4.2 मिलियन क्यूबिक फुट पानी समुद्र में मिलता है और बरसात के मौसम में 7 मिलियन क्यूबिक फुट पानी जाके समुद्र में मिलता है। अगर किसी एक दिन की बात करें तो एक दिन में लगभग 18,000 क्यूसेक पानी अमेजोन रिवर से अटलांटिक महासागर में गिरता है। रिसेंटली वैज्ञानिकों को अमेजोन नदी के नीचे से बहता हुआ एक दूसरा नदी का खोज मिला है जो साइज में अमेजोन रिवर से दुगना है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट में मिस्ट्री कभी खत्म नहीं होगा, तो जब भी अमेजोन के बारे में न्यू अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा इसी यूट्यूब चैनल में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक भी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही।